हेलो बच्चों, माय नेम इज अजीत कुमार और आप देख रहे हैं एके साइंस क्लासेस, खूबसूरत सा चैनल। आपका एके साइंस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि बोर्ड के ऊपर देख रहे होंगे, मैथमेटिक्स क्लास 12th फंक्शन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 इन्वर्टेबल फंक्शन एंड इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। ऑलरेडी आज हमारा फंक्शन का 8वां पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इसके जस्ट प्रीवियस आज ही हमने एक पार्ट अपलोड किया है, फंक्शन पार्ट 7, जिसके अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात किए थे और उसके अंदर हम 4 क्वेश्चंस किए थे। ओके, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर फंक्शन पार्ट 7 प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने इन्वर्टेबल फंक्शन एंड इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन टॉपिक स्टार्ट किया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3। ओके, उसके अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट नहीं करता है वो हमने बताया था। यानी जितने भी इन्वर्टेबल फंक्शन होंगे उनका ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और इन्वर्टेबल फंक्शन कौन होते हैं? जितने भी 1-1 ऑन टू मैपिंग वाले फंक्शन होते हैं वो सारा इन्वर्टेबल फंक्शन होगा और उन सभी फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लासेस में बिल्कुल अच्छी तरीके से डिटेल, बिल्कुल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया था इन्वर्टेबल फंक्शंस एंड इन्वर्स ऑफ ए फंक्शंस का। उसके अलावा पिछले ही लेक्चर्स में हमने पार्ट 7 में, फंक्शन पार्ट 7 के अंदर हमने 4 क्वेश्चंस किया था। ओके, आज हम इस लेक्चर में वहीं से कंटिन्यू कर रहे और आज हम कुछ डिफरेंट सवाल करेंगे इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन के ऊपर। तो आज हम वहीं से स्टार्ट कर रहे जहां से पिछला हमारा वीडियोस खत्म हुआ था। हम पिछले वीडियोस के एंड में 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, अभी हम इस लेक्चर में उसी से स्टार्ट कर रहे, 5वें क्वेश्चन से। ओके, तो बड़ा बड़ा हेडिंग डाल लो अपने नोटबुक के अंदर, इन्वर्टेबल फंक्शन एंड इन्वर्स ऑफ ए फंक्शंस। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप आपने अपने नोटबुक में हेडिंग डाल लिया होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन एंड इन्वर्स ऑफ ए फंक्शंस। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर जहां पे खत्म हुआ था, 4 क्वेश्चंस किए थे, अब वहीं से कंटिन्यू हम आगे करेंगे इस लेक्चर में। और आज हमारा ये लेक्चर में कंप्लीटली हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ओके, चलो तो हम बोर्ड पर एक क्वेश्चंस ले रहे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बोर्ड पे। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, पिछले पार्ट के अंदर हमने 4 क्वेश्चंस किया था, हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं इस लेक्चर्स के अंदर भी। तो आज हम 5वां क्वेश्चन ले रहे हैं, 4 इसके पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने डाल रखा है सॉल्यूशन। आज हम 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो क्या दिया है, ए फंक्शन एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर इज गिवेन बाय एफ ऑफ एक्स बराबर 2x+3। सबसे पहले जो गिवेन है उसको लिखो। तो एक फंक्शन है गिवेन, उसको लिख लेते हैं। गिवेन एफ ऑफ एक्स बराबर 2x+3, एफ ऑफ एक्स बराबर 2x+3, और ये कहां से कहां में डिफाइन है? तो एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन है। ओके, तो जो फंक्शन गिवन था हमने लिख लिया, ए फंक्शन एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स बराबर 2x+3, चेक इट इज इन्वर्टेबल फंक्शन एंड ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स एक्स। यानी हमें एक फंक्शन दे करके हमसे पूछा गया है कि चेक करें कि ये दिया गया फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन है या नहीं है, और अगर इन्वर्टेबल फंक्शन है तो फिर आप इसका इन्वर्स भी निकाले। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर या कोई भी आप राइटर का बुक लेते हो, एनसीईआरटी केसी सिन्हा आर डी शर्मा या जो भी बुक लेते हो, उनके इन्वर्स वाले चैप्टर के अंदर ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे गए। ओके, तो हमसे पहले तो चेक करने के लिए बोला गया है कि इन्वर्टेबल है कि नहीं। ओके, और अगर ये इन्वर्टेबल है तो हमसे एफ इन्वर्स भी निकालने के लिए बोला जा रहा है, और अगर ये इन्वर्टेबल नहीं है तो हम बोल देंगे कि इट इज नॉट इन्वर्टेबल, हेंस इन्वर्स ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, चलो तो ये डिपेंड करता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है कि नहीं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, चेक इन्वर्टेबल फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चेक इन्वर्टेबल फंक्शन। और आपको पता है, हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर बताया है कि इन्वर्टेबल फंक्शन 1-1 ऑन टू फंक्शन जितने भी होते हैं वो इन्वर्टेबल फंक्शन होते हैं। तो इन्वर्टेबल
चेक करने के लिए हमें 1-1 ऑन 2 चेक करना पड़ेगा, तो चलो इन्वर्टेबल चेक करने के लिए हमें क्या चेक करने पड़ेगा 1-1 ऑन 2। तो सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे, तो चेक 1-1 फंक्शन चेक करेंगे। ओके, अरे भाई पिछले लेक्चर में हमने बता रखा है ना कि इन्वर्टेबल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो 1-1 ऑन 2 फंक्शन होते हैं। तो अगर किसी फंक्शन को हमें इन्वर्टेबल चेक करना है तो 1-1 ऑन 2 चेक करना पड़ेगा। अगर वो 1-1 ऑन 2 हो जाते हैं यानी बाइजेक्शन हो जाता है तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन इन्वर्टेबल है। तो इन्वर्टेबल चेक करने के लिए हमें 1-1 और ऑन 2 दोनों चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 1-1 फंक्शन चेक करते हैं। याद होगा हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हमने आपको बताया था ना कि हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे चेक करते हैं 1-1 फंक्शंस को। तो दो एलिमेंट लेते हैं x1 एंड x2, याद होगा। तो लेट x1 एंड x2 आर द टू डिफरेंट आर द टू डिफरेंट एलिमेंट वेयर x1 एंड x2 दोनों बिलोंग्स टू रियल नंबर। दोनों तो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं ना, ये भी और ये भी, यानी दोनों x2 x1 दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, तो हम लोग निकालते हैं f(x1) कैसे निकलेगा। तो जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या पुट करेंगे, x1 पुट करेंगे। तो देखो चलो पहले फंक्शन लिख लो, f(x) बराबर क्या दिया हुआ, 2x+3। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, f(x1) निकालते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x1 पुट करेंगे, तो 2x1+3 आ गया। उसके बाद हम लोग f(x2) निकालते हैं, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर x2 पुट करेंगे, तो 2x2+3। उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद f(x1) = f(x2) करते थे, याद करो सब बताया हुआ है, सारा कॉन्सेप्ट सारा सवाल इस पर तो 10-12 सवाल हमने किया था प्रीवियस चैप्टर के अंदर। ओके, तो ये सब मालूम होना चाहिए आपको, और अगर नहीं मालूम है तो फिर से रिवाइज करो, वीडियो को देखो अच्छी तरीके से। ओके, चलो अब f(x1) और f(x2) को बराबर कर रहे हैं, तो f(x1) क्या है, तो f(x1) है 2x1+3 बराबर f(x2) क्या है, 2x2+3। देखो +3 से +3 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या मिल गया, x1 = x2। यस, जब भी हमारा x1 = x2 मिल जाता है, यानी f(x1) और f(x2) को बराबर करने से जब x1 = x2 मिल जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि द गिवन फंक्शन इज 1-1 फंक्शन। द गिवन फंक्शन इज 1-1 फंक्शन। तो 1-1 तो हो गया, अब क्या चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। ओके, लेट हम लोग अब क्या चेक करेंगे, तो 1-1 तो हो गया, इन्वर्टेबल होने के लिए 1-1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, तो 1-1 तो हो गया, अब ऑन टू चेक करेंगे। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब हम लोग क्या चेक करेंगे, ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू चेक करने का तरीका आपको मालूम होगा, इस पर बहुत सारा सवाल हमने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर करवा रखा था, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ मैपिंग के ऊपर। ओके, तो अब हम चेक करेंगे, चेक ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे। ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए क्या होता था, पहले हम क्या मानते थे, पहले हम लेट f(x) = y मानते थे, याद करो सारा स्टेप मालूम होना चाहिए आपको। तो f(x) = y मानते थे, तो f(x) = y, f(x) क्या दिया हुआ है, 2x+3 = y हो गया। अरे f(x) = y मानते थे ना, उसके बाद f(x) का वैल्यू रखते थे, तो f(x) = y मान लिए, उसके बाद f(x) क्या दिया है, 2x+3 = y। उसके बाद इसको सोल्व करके x का वैल्यू निकालते थे, तो इसको सोल्व करके x का वैल्यू निकालो, तो 2x = 3 इधर चला जाएगा, y - 3, तो यहाँ से x = क्या आ जाएगा, x = y - 3/2। तो हमने x का वैल्यू निकाल लिया। अरे यही स्टेप होता था ना ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए, यही स्टेप होता था कि हम f(x) को y मानते थे। ओके, उसके बाद उसको सोल्व करके x का वैल्यू निकालते थे, x का जब वैल्यू निकल गया उसके बाद क्या करते थे, तो उसके बाद हम बोलते थे कि यदि x y के हर वैल्यू पे डिफाइन हो तो हमारे ये ऑन टू फंक्शन होगा। बताए थे ना ये चीज़ें कि यदि x y के हर वैल्यू पर डिफाइन हो, यदि x y के हर वैल्यू पर डिफाइन हो तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो तुम चेक करो कि यहाँ x और y दोनों, वेयर x एंड y बोथ आर बिलोंग्स टू रियल नंबर।
अब आप ये बताओ यहां पर क्या हम चेक करेंगे, बाई के हर रियल नंबर पर, देखो ना ये हमारा एक्स है और ये हमारा बाई है, ओके, तो एक्स भी रियल नंबर है और बाई भी रियल नंबर है, इसका मतलब बाई के हर रियल नंबर पर एक्स को रियल नंबर आना चाहिए, अरे बाई के हर रियल नंबर के वैल्यू पर एक्स भी रियल नंबर मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एक्स डिफाइन होगा और गिवन फंक्शन ऑन टू होगा। चलो रखकर देखते हैं, बाई के हर रियल नंबर पर, बाई के हर रियल वैल्यू पर एक्स भी तो रियल मिलेगा, देख लो ना, बाई कुछ भी रख दो एक्स कुछ भी मिलेगा, तो बाई के हर रियल नंबर पर एक्स भी रियल नंबर मिलेगा, इसका मतलब एक्स यहां पर डिफाइन है। तो हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि चूंकि एक्स एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, एक्स चूंकि एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ, ऑल द वैल्यू ऑफ बाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, चूंकि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ बाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी बाई के हर रियल नंबर पर एक्स भी रियल नंबर मिल रहा है, इसका मतलब डिफाइन है। हेंस एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ बाई बिलोंग्स टू आर, देन द गिवन फंक्शन, देन द गिवन फंक्शन इज ऑन टू, देन द गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। लो ऑन टू भी आ गया, वन वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, इसका मतलब ये गिवन फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों हो गया, इसका मतलब बाइजेक्शन हो गया, इसका मतलब इन्वर्टेबल है। तो ये चेक कैसे करते हैं वन वन ऑन टू, ये हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर बहुत सारा सवाल इस पर करवाए, जो लोग भूल गए होंगे वो एक्सरसाइज 1.2 को फिर से रिवाइज करें, मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को फिर से देखें, एक्सरसाइज 1.2 का आपको सब कुछ याद हो जाएगा, और जिनको याद है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज इन्वर्टेबल, ओके, चलो देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चल तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, यानी वन वन ऑन टू दोनों हो गया, और जब फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों हो जाता है तो वो इन्वर्टेबल फंक्शन होता है। तो यहां लिखेंगे कि हेंस द गिवन फंक्शन, हेंस द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर 2x+3 इज इन्वर्टेबल फंक्शन, इज इन्वर्टेबल फंक्शन, इज इन्वर्टेबल फंक्शन, इज इन्वर्टेबल फंक्शन। देन अगर फंक्शन इन्वर्टेबल हो गया तो फिर f इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा, देन f इनवर्स x इज एग्जिस्ट, देन f इनवर्स x इज एग्जिस्ट। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा कि हमारा जो दिया गया फंक्शन है वो वन वन ऑन टू हो गया, वन वन ऑन टू हो गया, जिसके कारण से ये इन्वर्टेबल हो गया, और जिसके कारण से ये इन्वर्टेबल हो गया तो एफ इनवर्स एक्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो हेंस द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर 2x+3 इज इन्वर्टेबल फंक्शन, देन एफ इनवर्स एक्स, यानी एफ इनवर्स एक्स इज एग्जिस्ट, ओके, इतना आप लिख लो, ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो तो हमारा चेक हो गया, क्या चेक करने बोला था कि इन्वर्टेबल फंक्शन है कि नहीं, तो हमने चेक कर लिया कि ये इन्वर्टेबल फंक्शन है क्योंकि ये वन वन ऑन टू है, ओके, जब ये इन्वर्टेबल फंक्शन है तो एफ इनवर्स एक्स भी एग्जिस्ट करेगा। चलो अब जब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर कैसे निकलेगा, चलो अब यही चीज तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ओके। अभी तक जो एक से लेकर चार क्वेश्चन किए थे वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो समझो कि ऐसे क्वेश्चंस में जब हमें डायरेक्ट कोई फंक्शन दे दे, तब ऐसे डायरेक्ट हमें कोई फंक्शन दे दे और वो इन्वर्टेबल हो जाए, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस के लिए एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालेंगे, तो हम यूज करेंगे बाय यूजिंग याद करो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स, f ऑफ f इनवर्स x बराबर x, याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर फंक्शन पार्ट 6-7 के अंदर हमने ये करवाया था, ओके। तो इसी फंक्शन, इसी फॉर्मूले का यूज करके, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस तरीके के क्वेश्चंस का इनवर्स निकालते हैं, कैसे, तो हम ये यूज करेंगे f ऑफ
एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स। चलो अब कैसे यूज होगा इसका, ध्यान से देखो, यहां फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स बराबर टू एक्स प्लस थ्री। यदि हमें एफ ऑफ एक्स से, यदि हमें एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तुम देखो ना बाहर क्या दिया हुआ है, बाहर एफ है तो एफ देखते ही एफ ऑफ एक्स पर आ जाओ, एफ देखते ही एफ ऑफ एक्स पर आ जाओ। गॉफ और फॉग में भी बताए थे कि बाहर जो है हम वो फंक्शन लेते हैं, तो बाहर क्या है एफ, तो तुरंत एफ देखते ही एफ ऑफ एक्स पर आ गए, एफ ऑफ एक्स बराबर टू एक्स प्लस थ्री दिया हुआ है। अब तुम बताओ कि एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पुट एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स करना होगा, यानी इस फंक्शन में, यानी इस फंक्शन में दिए गए फंक्शन में, यानी एफ ऑफ एक्स बराबर टू एक्स प्लस थ्री में हम एक्स के जगह अगर एफ इनवर्स एक्स पुट कर दें तो हमें ये चीज मिल जाएगा, देखना तो यही चीज निकालना, सॉरी हमें ये चीज मिल जाएगा ना, मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे भाई एफ ऑफ एक्स बराबर टू एक्स प्लस थ्री, एक्स के जगह अगर हम एफ इनवर्स एक्स रख दें तो देखो तो एफ ऑफ एक्स के जगह एफ इनवर्स एक्स, तो क्या मिल जाएगा, ये चीज मिल जाएगा ना, देखो कैसे, पुट एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स, तो जहां जहां इस फंक्शन में एक्स है वहां वहां हम क्या पुट करेंगे, एफ इनवर्स एक्स। चलो तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करे, एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स पुट करे, अरे यही चीज तो चाहिए था, देखो मिल गया, ओके मिल गया ना, अरे मिला नहीं मिला, बोल भाई मिला ना, चलो तो क्या हो गया, तो हमारा ही हो गया एफ एफ एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स, तो क्या हो गया एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ओके एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ओके। अब देखो जहां जहां एक्स है वहां वहां हमको एफ इनवर्स एक्स पुट करना पड़ेगा, तो टू, अब यहां भी एक्स है तो यहां भी हमें क्या पुट करना पड़ेगा, एफ इनवर्स एक्स पुट करना पड़ेगा प्लस थ्री, ओके। चलो इसको आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो देखो इतना का वैल्यू हमें मिल गया, तो इक्वेशन फर्स्ट में इतना का वैल्यू रख देंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स, और एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या मिल गया, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स बराबर मिल गया टू इंटू एफ इनवर्स एक्स प्लस थ्री बराबर एक्स, ओके। अब इसको सोल्व करेंगे, थ्री को उधर लेके जाएंगे तो टू इंटू एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स माइनस थ्री, हमें चाहिए एफ इनवर्स एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री, ये इंटू में इधर डिवाइड में आ जाएगा, मिल गया मिल गया, यही तो निकालना था, यही तो निकालना था, एफ इनवर्स एक्स ही तो पूछा था ना, एफ ऑफ एक्स दे करके एफ इनवर्स एक्स पूछा, तो एफ इनवर्स एक्स क्या मिल गया, एक्स माइनस थ्री बटा टू। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो इसको रफ कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेंगे, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा, ओके। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का, चलो चलो क्वेश्चन नंबर छह, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर छह, चलो ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, इफ ए फंक्शन एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स बराबर फाइव एक्स प्लस नाइन इज इन्वर्टेबल, देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हमें इन्वर्टेबल फंक्शन चेक करने के लिए भी बोला गया था और एफ इनवर्स एक्स भी निकालने के लिए बोला गया था, पर इस क्वेश्चन में ये पहले से बोल दिया गया कि जो एफ ऑफ एक्स बराबर फाइव एक्स प्लस नाइन है वो हमारा इन्वर्टेबल है, ये क्वेश्चन में दे दिया, ये क्वेश्चन में दे दिया कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है फाइव एक्स प्लस नाइन ये ऑलरेडी इन्वर्टेबल है, इसलिए हमें इस बार इन्वर्टेबल चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे चुका है कि ये इन्वर्टेबल है, हमें क्वेश्चन में क्या है दे चुका है कि ये इन्वर्टेबल है, तो हमें अब चेक करने की जरूरत नहीं है। पिछले क्वेश्चन में इन्वर्टेबल फंक्शन चेक करने के लिए बोला गया था और इनवर्स भी निकालने के लिए बोला गया था, इसलिए हमने उस क्वेश्चन में चेक भी किया और इन्वर्टेबल फंक्शन वो आया भी और फिर हमने एफ इनवर्स एक्स निकाला भी, ओके। पर इस क्वेश्चन में
इन्वर्टेबल फंक्शन ऑलरेडी दे चुका है, यानी इस क्वेश्चन में हमें केवल क्या निकालना है, एफ इनवर्स एक्स निकालना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है। चलो जितना पूछा जाए बस उतना करना है, इन्वर्टेबल फंक्शन बोल दिया है ना, कहानी खत्म। अब अपने मन से चेक वेक नहीं करेंगे, अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि इन्वर्टेबल फंक्शन है। चलो तो केवल एफ इनवर्स एक्स निकालना है, वो तो बड़ा ईजी है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं। चलो गिवेन क्या है, तो गिवेन है एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर 5x+9, और ये कहां से कहां है, डिफाइन एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके चलो तो हम क्या बोलेंगे, चूंकि एफ ऑफ एक्स इज इन्वर्टेबल, ये लिख देंगे, चूंकि एफ ऑफ एक्स इज इन्वर्टेबल देन एफ इनवर्स एक्स इज एग्जिस्ट। ओके चलो अब एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, अप्लाई ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग क्या एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स। जितने भी इस टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा जिसमें डायरेक्ट फंक्शन दिया हो और एफ इनवर्स एक्स निकालना हो, तो सारे क्वेश्चंस में हम क्या अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स। ओके चलो तो फंक्शन क्या गिवेन है, फंक्शन गिवेन है एफ ऑफ एक्स, हमें एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स निकालना है, तो एक्स के जगह क्या पुट करना पड़ेगा, तो एक्स के जगह इतना पुट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, अरे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं, देखो बाहर क्या एफ, तुरंत एफ ऑफ एक्स पे आओ, तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, तो 5x+9 दिया है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, पिछले की तरह आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। चलो एफ ऑफ एक्स बराबर 5x+9 हमें निकालना है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, तो इसके जगह पर क्या पुट करें, पुट एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स, तो जहां जहां फंक्शन में एक्स है वहां वहां एफ इनवर्स एक्स पुट करेंगे, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स बराबर 5 × एफ इनवर्स एक्स और +9। ओके चलो तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या मिला, तो 5 × एफ इनवर्स एक्स +9 मिला। अब इक्वेशन फर्स्ट में इसका वैल्यू रख देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में ये है और इतना बराबर कितना आया, तो इतना बराबर इतना आया, तो क्या लिखेंगे, 5 × एफ इनवर्स एक्स +9 बराबर एक्स, तो यहां से 5 × एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स -9, इसलिए एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स -9/5। देख लो एफ इनवर्स एक्स तीन निकालने बोला था ना, क्या बोला था, फाइंड एफ इनवर्स एक्स निकल गया x-9/5। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जब भी आपको डायरेक्ट फंक्शन दे करके एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए बोला जाए, आप यहां से स्टार्ट करोगे, कहां से स्टार्ट करोगे, ये तो हमेशा लेना है, इसी से बनेगा अदरवाइज नहीं बनेगा, तो ये स्टार्ट करना है। ये कैसे मिलेगा, तो फंक्शन से मिलेगा, फंक्शन में एक्स की जगह इतना पुट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, उसके बाद इसका पूरा वैल्यू रखकर इसको सोल्व कर देंगे, एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये हमारा आंसर हो गया। ओके देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। चल चलो बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ओके बच्चों तो ये रहा हमारा सातवां क्वेश्चन, क्या बोला है, इफ ए फंक्शन एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स बराबर 5x³+7 इज इन्वर्टेबल देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी बोल दिया है कि गिवन फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल है, ओके तो हमें इन्वर्टेबल चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें तो डायरेक्ट क्या निकालना है, डायरेक्ट हमें एफ इनवर्स एक्स निकालना है, हमें इन्वर्टेबल चेक नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, इन्वर्टेबल, आप तो सिर्फ क्या निकालो, एफ इनवर्स एक्स निकालो, तो गिवन जो है उसको लिखो, तो गिवन क्या है, तो गिवन एफ ऑफ एक्स बराबर 5x³+7। ओके और ये कहां से कहां में डिफाइन है, तो एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर के लिए डिफाइन है। ओके चलो क्या अप्लाई करेंगे, आप जानते हो अप्लाइंग, अब तो इस पर तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, अप्लाइंग एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स, ये लेते हैं ना। चलो अब हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, देखो
एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, एक्स की जगह क्या रखेंगे, एफ इनवर्स एक्स, तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, तो देख दो 5 × 5 × एक्स की जगह क्या रखेंगे, एफ इनवर्स एक्स रख दिए का होल क्यूब, एक्स की जगह क्या रखेंगे, अरे यहां भी एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स, तो ये मिलेगा और इसका वैल्यू निकाल रहे डायरेक्ट पुट कर रहे, तो 5 × 5 × एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस 7 = x। ओके, या आप पहले इसका वैल्यू निकाल लो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान करके, पहले इसका वैल्यू जैसे अभी तक कर रहे, अरे बात वही है, एक स्टेप हमने बचा लिया, हमने अभी तक दो क्वेश्चन में क्या किया था, इसका अलग से वैल्यू निकाला था, इसका इक्वेशन फर्स्ट मानकर इसका अलग से वैल्यू निकाला था और बाद में इसी में पुट कर दिए थे, अब हम डायरेक्ट निकाल के इसी में एक साथ पुट कर रहे, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। चलो तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा सॉल्व करो इसको, तो 5 × f inverse x का f इनवर्स x का होल क्यूब बराबर 7 को इधर ले जाएंगे तो x माइनस 7 और हमें f इनवर्स x का होल क्यूब बराबर क्या होगा तो x माइनस 7/5 आ जाएगा और हमें निकालना है f इनवर्स x, तो ये इधर आकर क्यूब रूट में आ जाएगा, किस में आ जाएगा 1/3 power, अरे इधर पावर 3 है उधर आकर 1/3 में हो जाएगा, f इनवर्स x निकल गया, क्या मिल गया f इनवर्स x तो x माइनस 7/5 पर पावर 1/3, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, चलो इसको हम लोग रफ कर रहे हैं। ओके, आगे हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, पर आगे अब थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, उस टाइप का क्वेश्चंस करने से पहले हमें एक इनवर्स फंक्शन के लिए एक और कॉन्सेप्ट हमें सीखने की ज़रूरत है, तब हम आगे क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा आगे के क्वेश्चंस करने में हमें दिक्कत आएगा जब तक वो कॉन्सेप्ट हम नहीं सीखेंगे। हम करेंगे, अभी 7 क्वेश्चन हुआ ना, 4 पिछले वाले पार्ट में, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर Part-7 के अंदर 4 क्वेश्चन, और यहाँ आज 5 से स्टार्ट किए तो 5 किए, 6 किए, 7 किए, अब आगे और भी कंटिन्यू करेंगे 8, 9, 10। ओके, पर आगे के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के लिए हमें एक छोटा सा बेसिक सा इंपॉर्टेंट हमें एक कॉन्सेप्ट बताना है, और वो भी किसके बारे में, एक कॉन्सेप्ट बताना है इनवर्स फंक्शन के बारे में, किसके बारे में, इनवर्स फंक्शन के बारे में। कॉन्सेप्ट देखो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इफ इफ एफ इनवर्स एक्स इज ए इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स देन देन, हमने क्या बोला, यदि एफ इनवर्स एक्स एक इनवर्स फंक्शन है किसका, एफ ऑफ एक्स का, क्या बोले, यदि यदि एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स का व्युत्क्रम, व्युत्क्रमणीय फलन, व्युत्क्रमणीय फलन या व्युत्क्रम, व्युत्क्रम फलन, या इसी को प्रतिलोम फलन भी बोलते हैं, प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स है तो, एफ इनवर्स है तो हमेशा एक बात ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स और इधर ले रहे एफ इनवर्स एक्स। ओके, हमेशा एक बात ध्यान देना कि जब भी एक फंक्शन और उसका इनवर्स दिया है, एक फंक्शन और उसका इनवर्स हमें दिया जाएगा, जब भी एक फंक्शन और उसका इनवर्स दिया जाएगा तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, इस फंक्शन का मान लेते हैं डोमेन, इस फंक्शन का मान लेते हैं डोमेन D1 है और इस फंक्शन का मान लेते हैं रेंज R1 है। ओके, ध्यान से समझना, इस फंक्शन का मान लेते हैं कि डोमेन D1 है और इस फंक्शन का मान लेते हैं कि रेंज R1 है, तो इट मस्ट नेसेसरी टू दैट एफ इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा, एफ इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो एफ ऑफ एक्स के रेंज के इक्वल होगा और एफ इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा वो एफ ऑफ एक्स के डोमेन के इक्वल होगा। ये ऑलवेज ट्रू होता है,
दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और एक उसका इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स एक्स है, तो दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में क्या कनेक्टिविटी है, कि जो इनवर्स फंक्शन का यानी जो इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा, इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा वो एफ ऑफ एक्स के रेंज के इक्वल होगा, इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा वो एफ ऑफ एक्स के रेंज के बराबर होगा, और एफ ऑफ इनवर्स एफ इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा वो एफ ऑफ एक्स के डोमेन के इक्वल होगा। हमने एक तरफ एफ ऑफ एक्स का डोमेन डी वन लिया और रेंज आर वन लिया, और एक तरफ इसी का हमने इनवर्स लिया, तो जो इसका जो इनवर्स आएगा ना, इसका जो इनवर्स आएगा उस इनवर्स फंक्शन का डोमेन एफ ऑफ एक्स के रेंज के बराबर होगा और एफ इनवर्स एक्स का रेंज एफ ऑफ एक्स के डोमेन के इक्वल होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, टेबल बना के भी लिख सकते हो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेम चीज को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे कैसे, तो ऐसे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, दूसरी बात, रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये बात समझ में आ गया होगा। अरे टेबल के जगह पर हम ऐसे दिखा सकते हैं ना, यानी एफ इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो एफ ऑफ एक्स के रेंज के इक्वल होगा, और एफ इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा वो हमारा एफ ऑफ एक्स के डोमेन के इक्वल होगा। ये ऑलवेज ट्रू है, ये हमेशा 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 के लिए सत्य है कि जब भी एक फंक्शन और उसका इनवर्स दिया हो, जब भी एक फंक्शन और उसका इनवर्स दिया हो तो ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगा, जब भी एक फंक्शन और उसी का इनवर्स दिया हो तो ये वाला स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगा। अब इस चीज को हम प्रूव करके दिखाते हैं, देखो फील करवाते हैं इस चीज को। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब इस चीज को फील करवाते हैं, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था इसके पहले उसी को लेकर के हम फील करवाते हैं। देखो फील करवा रहे हैं, फील देखो, फील इस चीज को फील करवा रहे हैं एग्जाम्पल से। देखो कैसे, देखो एक क्वेश्चन किए थे ना इसके पहले, एफ ऑफ एक्स बराबर 5x+9, ये एफ ऑफ एक्स है और इसका इनवर्स क्या आया था, इसका इनवर्स हमारे पास क्या आया था, तो x-9/5 आया था ना, अभी आज किए ये वाला क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स क्या दिया था, तो एफ ऑफ एक्स दिया है 5x+9 और उसका इन्वर्स क्या आया था, x-9/5। अब दिखाते हैं हम, जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स हो और एफ इनवर्स एक्स हो, जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स हो और उसी का इनवर्स हो, तो वो वाला स्टेटमेंट लागू होगा यहाँ पर, यानी एफ इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा एफ ऑफ एक्स के रेंज के बराबर होगा और एफ इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा एफ ऑफ एक्स के डोमेन के इक्वल होगा। नहीं विश्वास है तो हम आपको फील करवाते हैं। चलो हम ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स 5x+9। चलो पहले इसका डोमेन निकालते हैं, क्लास 11th में हमने पढ़ा रखा है, क्लास 12th के भी फंक्शन Part-1 में हमने अलजेब्राइक फंक्शन का डोमेन पढ़ाया था, तो इसका अगर हम डोमेन निकालना चाहते हैं, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगा, देखो ये अलजेब्राइक फंक्शन है और अलजेब्राइक में भी लीनियर फंक्शन है, तो जितने भी लीनियर फंक्शन होते हैं उसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर यानी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हमने सिखाया था,
तो ये हमारा लीनियर फंक्शन है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ओके। इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज, तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, रेंज निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि एफ ऑफ एक्स को बाई मानते हैं, तो लेट एफ ऑफ एक्स बराबर बाई, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 9 बराबर बाई, ओके। तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा बाई माइनस 9 डिवाइडेड बाई 5। अब जो x का वैल्यू आया, इसका डोमेन, इसका डोमेन पुराने फंक्शन के रेंज के इक्वल होता है, याद करो कॉन्सेप्ट। इसका जो हम डोमेन निकालेंगे, ये जो नया फंक्शन बना बाई के फॉर्म में, इसका डोमेन पुराने फंक्शन के रेंज के इक्वल होगा, तो इसका डोमेन, तो ये भी तो हमारा रियल, ये भी तो हमारा लीनियर फंक्शन ही है ना, तो इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, बाई बिलोंग्स टू आर, ओके। तो ये नया फंक्शन का जो डोमेन होगा पुराने फंक्शन के रेंज के इक्वल होगा, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, बाई बिलोंग्स टू आर, इसका रेंज क्या हो जाएगा, बाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब, इसका मतलब, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन, चलो। इसका मतलब जो ये एफ ऑफ एक्स आया है, एफ ऑफ एक्स का डोमेन भी हमारा क्या आ गया, तो डोमेन भी हमारा इसका आया, इसका डोमेन क्या आ गया, तो डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर आया, और जो हमारा रेंज है, रेंज है, रेंज है, वो रेंज हमारा क्या आया, तो रेंज हमारा आया बाई बिलोंग्स टू आर। चलो अब इसका चेक करते हैं, इसका एफ इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो डोमेन ऑफ, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ओके। तो ये भी तो देखो, ये भी तो तुम देख सकते हो ना, लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का डोमेन ऑलवेज एक्स बिलोंग्स टू आर, तो एफ इनवर्स एक्स का डोमेन क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ इनवर्स एक्स का क्या आ गया डोमेन, एक्स बिलोंग्स टू आर, ओके। अब इसका रेंज निकालेंगे, रेंज निकालने के लिए फिर से वही बात, लेट, लेट एफ इनवर्स एक्स बराबर, इस बार बाई मानेंगे इसको, इस पूरे को वाई मानेंगे, तो इसके जगह पर बाई, तो बाई बराबर एक्स माइनस 9 बटा 5, यहां से सोल्व करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू बाई बराबर एक्स माइनस 9, तो यहां से एक्स बराबर आ जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 5 बाई प्लस 9 आ जाएगा ना, एक्स बराबर क्या आ जाएगा प्लस 9, माइनस 9 दे रहा कर प्लस 9, तो 5 बाई प्लस 9, तो एक्स हमारा ये आ गया। अब इसका डोमेन, नए फंक्शन का डोमेन पुराने फंक्शन के रेंज के इक्वल होगा, तो नए फंक्शन का डोमेन ऑल बाई बिलोंग्स टू आर, ऑल बाई बिलोंग्स टू आर, तो नए पुराने फंक्शन का यही हमारा रेंज होगा, तो रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या आ गया, तो ये आ गया हमारा बाई बिलोंग्स टू आर। चेक करो अब यहां, चेक करो, चेक करो, चेक करो, एफ इनवर्स एक्स का डोमेन, एफ इनवर्स एक्स का डोमेन एफ ऑफ एक्स के रेंज के इक्वल होगा, तो एफ, तुम देखो एफ इनवर्स एक्स का डोमेन भी ऑल रियल नंबर, तो एफ ऑफ एक्स का रेंज भी ऑल रियल नंबर, देखो, देखो ना ट्रू हो रहा है ना, जो स्टेटमेंट अभी बताया वो ट्रू है ना, देख लो ना, एफ इनवर्स एक्स का डोमेन भी ऑल रियल नंबर है, तो एफ ऑफ एक्स का रेंज भी ऑल रियल नंबर है, तो एफ इनवर्स एक्स का डोमेन एफ ऑफ एक्स के रेंज के इक्वल हो गया, और एफ इनवर्स एक्स का रेंज भी ऑल रियल नंबर है, तो इसका एफ ऑफ एक्स का डोमेन भी ऑल रियल नंबर है, देखो मैच कर गया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सच बैठ रहा है कि एफ इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो एफ ऑफ एक्स के रेंज के इक्वल है, और एफ इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो एफ ऑफ एक्स के डोमेन के इक्वल है। आई होप आपको ये फील आ गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो ये कॉन्सेप्ट हमें सीखना बेहद जरूरी था आगे के क्वेश्चंस को करने के लिए। चलो तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं ये स्टेटमेंट ध्यान में रखते हुए, ओके। चलो तो अगला सवाल आठवां हम लेते हैं फटाफट, ओके। चलो तो आठवां सवाल हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके। चलो ओके बच्चों, तो ये रहा बोर्ड के ऊपर आठवां क्वेश्चन, क्या दिया है, ए फंक्शन एफ सच दैट, ये हमारा क्लोज इंटरवल है और ये हमारा ओपन इंटरवल है, ये पढ़ाए थे क्लास 11th में। तो एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ऑफ 1, ओपन इंटरवल ऑफ इंफिनिटी 2, क्लोज इंटरवल ऑफ 0, ओपन इंटरवल ऑफ इंफिनिटी इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इन्वर्टेबल, देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स।
तो फिर से हमें फंक्शन जो दिया गया है उसके बारे में बता चुका है क्वेश्चंस के अंदर पहले ही कि ये इन्वर्टेबल फंक्शन है। क्या है? इन्वर्टेबल फंक्शन। तो हमें इन्वर्टेबल फंक्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट क्या निकालेंगे, हम डायरेक्ट एफ इनवर्स एक्स निकालेंगे। ओके चलो, तो गिवेन क्या है पहले वो लिख लो, ये क्या दिया हुआ है इसका मतलब ही आपको हम समझाएंगे। तो गिवेन क्या है? गिवेन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अरे बताओ क्या इन्वर्टेबल चेक करेंगे इसमें? नहीं ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे दिया कि इन्वर्टेबल है, तो हमें करने की जरूरत चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एफ इनवर्स एक्स निकालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स ये कहां से कहां, तो ये कहां से कहां वैलिड है, तो एफ सच दैट 1 to ∞ से 0 to ∞। ओके चलो, क्या अप्लाई करते हैं इनवर्स निकालने के लिए? बहुत सारा क्वेश्चन देख लिए, तो अप्लाइंग एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स किससे मिलेगा? एफ ऑफ एक्स से। जब एफ ऑफ एक्स के में एक्स के जगह क्या पुट करेंगे? एफ इनवर्स एक्स। तो चलो पुट करो, तो एक्स के जगह क्या पुट करेंगे? एफ इनवर्स एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स, यही ना। अरे एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स कहां से मिलेगा? एफ ऑफ एक्स से। तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू, जहां जहां एक्स है वहां वहां हमने क्या पुट कर दिया? एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह एफ इनवर्स एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स के जगह एफ इनवर्स एक्स और बराबर एक्स का एक्स हो गया। अब देखो सब इसको भी इधर लेके चले आओ, तो क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ इनवर्स एक्स और इधर एक्स इधर आकर माइनस एक्स बराबर जीरो। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, नहीं लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एफ इनवर्स एक्स में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैच करो इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। नहीं लग रहा है कि ये वाला इक्वेशन इससे मैच कर रहा है? मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसके टर्म में? देखो ये क्वाड्रेटिक, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज अ क्वाड्रेटिक, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये एक्स के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी एक्स के रूप में द्विघात समीकरण है। ओके तो ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा ही है ना, लेकिन ये किस रूप में है? तो एफ इनवर्स एक्स के रूप में। ओके आपको ये समझ में आ गया होगा, तो यहां ये वाला लाइन लिखेंगे कि इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स एक्स के रूप में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एफ इनवर्स एक्स के रूप में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके सिंपल आ गया समझ में। तो जब इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग किस से? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से कंपेयर करेंगे, तो बताओ ए के जगह इसके आगे वन है, तो ए बराबर वन मिल गया। बी के आगे बी के जगह पर इसके आगे माइनस वन है, तो बी बराबर माइनस वन आ गया। और सी के जगह पर एक्स है, सी के जगह पर एक्स नहीं, सी के जगह पर क्या है, हाँ सी के जगह पर क्या है, माइनस एक्स है। सी के जगह पर क्या है, माइनस एक्स, तो सी के जगह पर माइनस एक्स है। देख लो ना, कंपेयर करो, एक्स के जगह पर ए है, मतलब ए के जगह पर वन है, बी के जगह पर माइनस वन है और सी के जगह पर माइनस एक्स है, देख लो। ओके अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे और एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू मिलेगा। चलो इधर वाला हम मिटा रहे हैं, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब आगे सोल्व करेंगे, आगे हम सोल्व करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला मेथड से, जो आप 10th क्लासेस में पढ़े हो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ओके चलो, क्या होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला? एक्स बराबर, जब एक्स के फॉर्म में क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, जब एक्स के फॉर्म में क्वाड्रेटिक फंक्शन हो तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यही तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। ओके चलो, तो ये वाला जब एक्स के फॉर्म में होगा क्वाड्रेटिक तो एक्स बराबर आएगा, ये किस फॉर्म में क्वाड्रेटिक है? तो ये एफ इनवर्स एक्स के फॉर्म में, तो यहां लिखेंगे एफ इनवर्स एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा टू ए। अरे ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर ये x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x बराबर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर f इनवर्स x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक है तो f x के जगह पर f इनवर्स x आ जाएगा। चलो निकालो वैल्यू, तो f इनवर्स x बराबर माइनस b के जगह पर माइनस वन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस वन कर दे, और एक माइनस पहले से और एक माइनस वन यहां से, तो माइनस माइनस प्लस वन, तो यहां वन लिख देते हैं, वन प्लस माइनस का प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी क्या है तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, ए क्या है वन इंटू सी, सी क्या है माइनस एक्स, ओके बटा टू ए, टू ए, ए क्या है वन, ओके देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। चलो इधर हम रफ कर रहे हैं, अच्छा सवाल है भाई, ओके चलो। तो एफ इनवर्स एक्स बराबर वन प्लस माइनस अंडर रूट, चलो इसको सोल्व करो, माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, और फोर इंटू वन इंटू एक्स तो फोर एक्स, तो अंडर रूट वन प्लस फोर एक्स डिवाइडेड बाई टू गुना एक टू, ओके। अब देखो एफ इनवर्स एक्स ही तो पूछा था ना, कई लोग यहीं पर आंसर छोड़ देंगे, कई लोग यहीं पर आंसर छोड़ देंगे और उनका आंसर गलत हो जाएगा, उनका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी फंक्शन में फंक्शन का रिजल्ट हम प्लस माइनस के रूप में कभी नहीं देते हैं, कभी भी हम फंक्शन को प्लस और माइनस साइन एक साथ कभी नहीं लिखते, हम कभी भी फंक्शन में प्लस माइनस साइन को एक साथ यूज नहीं किया जाता है। इसका मतलब यहां से दो आंसर मिल सकता है, एक तो मिल सकता है एफ इनवर्स एक्स बराबर वन प्लस अंडर रूट वन प्लस फोर एक्स बटा टू, एक आंसर ये मिल सकता है, या फिर एक आंसर ये मिल सकता है एफ इनवर्स एक्स बराबर वन माइनस अंडर रूट वन प्लस फोर एक्स बटा टू। हमेशा एक बात ध्यान रखना, फंक्शन को कभी भी प्लस माइनस साइन एक साथ यूज करके नहीं लिखा जाता है, यहां पर प्लस माइनस साइन एक साथ आ गया था तो हम आंसर यहां नहीं लिख सकते हैं, यहां से दो आंसर हो सकता है, एक आंसर हो सकता है एफ इनवर्स एक्स बराबर वन प्लस अंडर रूट वन प्लस फोर एक्स बटा टू, और एक हो सकता है एफ इनवर्स एक्स का वन माइनस अंडर रूट वन प्लस फोर एक्स बटा टू। अब दोनों में से कौन सा आंसर होगा, दोनों होगा या दोनों में से कोई एक होगा, देखते हैं। अब इसका यूज होगा, अब इसका यूज होगा, अब इसका यूज होगा, ओके। अब ये जो दिया है ना, ये क्यों दिया था अब मालूम चलेगा, यानी इसी से डिसाइड करेंगे कि हमारा ये वाला आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा, यहां से पता चलेगा। यहां से कैसे पता चलेगा, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले जस्ट इसके पहले एक कॉन्सेप्ट बताए कि यदि हमारे पास एफ ऑफ एक्स और उसी का एफ इनवर्स एक्स दिया हो तो ये हमेशा सत्य होगा, ये स्टेटमेंट हमेशा सत्य होगा कि एफ इनवर्स एक्स का डोमेन एफ ऑफ एक्स के रेंज के इक्वल होगा, और एफ ऑफ और एफ इनवर्स एक्स का रेंज एफ ऑफ एक्स के डोमेन के इक्वल होगा। अब यहां से देखो, एक बात देखो आप, इनवर्स पिछले लेक्चर में हम इनवर्स का कॉन्सेप्ट बताए थे कि एक्स से बाई जाने पर, एक्स से बाई जाने पर एफ ऑफ एक्स मिलता है और बाई से एक्स आने पर एफ इनवर्स एक्स मिलता है। तो देखो सिंपल सी बात है कि इसको कुछ देर के लिए एक्स मान ले और इसको कुछ देर के लिए बाई मान ले, सिंपल, ये कुछ देर के लिए इस पूरे को एक्स मान लेते हैं और कुछ देर के लिए इस पूरे को वाई मान लेते हैं, तो एक्स से बाई जाने पर, एक्स से बाई जाने पर एफ ऑफ एक्स मिलेगा, तो बाई से एक्स आने पर एफ इनवर्स एक्स मिलेगा। इसका मतलब वन रखने पर जीरो मिलेगा फंक्शन में, एफ ऑफ एक्स में वन पर जीरो मिलेगा तो एफ इनवर्स एक्स में जीरो पर वन मिलेगा। सिंपल सी बात है यार कि वन रखने पर जीरो मिलना चाहिए फंक्शन में, तो इनवर्स फंक्शन में जीरो रखने पर वन मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है बात, सिंपल सी बात है यार कि अगर एफ ऑफ एक्स की बात करें तो एक रखने पर जीरो मिलेगा, ओके, और अगर एफ इनवर्स एक्स की बात करें तो जीरो रखने पर एक मिलेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, एफ इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं, मतलब जीरो रखेंगे तो एक आना चाहिए। तो चलो एक्स के जगह पर
एक्स के जगह पर जीरो रखो, सिंपल आया ना समझ में। अगर ये फंक्शन होता एफ ऑफ एक्स तो एक रखने पर जीरो आता, एक रखने पर क्या आता, जीरो आता, एक रखने पर जीरो। नहीं विश्वास है तो तुम देख लो, ये फंक्शन था ना, एक रखने पर जीरो मिलना चाहिए, नहीं विश्वास है तुम चेक कर लो। एक रखो तो एक का स्क्वायर माइनस एक, एक का स्क्वायर एक, एक माइनस एक जीरो मिला ना। यानी फंक्शन में एक रखने पर जीरो मिलेगा, तो देखो तो एक रखो फंक्शन में, एक्स की जगह एक रखो फंक्शन में, तो एक का स्क्वायर माइनस एक जीरो मिला, मिला ना। तो इसका जो इन्वर्स निकला, तो इसका एक इन्वर्स ये हो सकता है और एक इन्वर्स ये हो सकता है, तो उल्टा चलेगा ना, जीरो रखने पर एक आना चाहिए। तो देखो कि इसमें जीरो रखने पर एक आ रहा है कि इसमें जीरो रखने पर एक आ रहा है, चेक करते हैं। चलो इसके अंदर पुट x बराबर जीरो करो, तो चलो यहां x बराबर जीरो करो, तो x का मान जीरो रखेंगे तो चार गुना जीरो, जीरो, वन प्लस जीरो वन, वन का अंडर रूट वन, वन प्लस वन टू, टू बटा टू वन, आ गया ना वन, जीरो रखने पर वन आ गया ना। फिर से एक बार बताते हैं, एक्स की जगह जीरो रखो, चार गुना जीरो जीरो, वन प्लस जीरो वन, वन का वर्गमूल वन, वन प्लस वन टू, टू बटा टू वन, आ गया ना। यानी एक्स बराबर जीरो रखने पर एफ इनवर्स एक्स क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, ये तो होना ही चाहिए था। तो हमारा ये वाला आंसर ही हमारा होगा फाइनल आंसर। सर ये चेक कर लो, हो सकता है ये भी हो जाए। चलो रखो, अब इसमें भी पुट एक्स बराबर जीरो रखो, चलो चेक करते हैं वन मिलता है कि नहीं। एक्स बराबर जीरो, ओके, एक्स बराबर जीरो, तो चार गुना जीरो जीरो, वन प्लस जीरो वन, वन का वर्गमूल वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो बटा टू जीरो, तो एफ इनवर्स एक्स वन के बजाय जीरो मिल गया। हमें मिलना चाहिए वन, मिल रहा है जीरो, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो फाइनल आंसर हमारा ये होगा, तो एफ इनवर्स एक्स बराबर वन प्लस अंडर रूट वन प्लस फोर एक्स बटा टू, दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो इसी के जैसा, इसी के ऊपर एक एचडब्ल्यू में सवाल दे रहे हैं, वो खुद से करना, बिल्कुल इसी के जैसा होगा। ओके चलो, एक एचडब्ल्यू में दे रहे हैं सवाल, वो खुद से आप लोग करना, एकदम सेम टू सेम इसी के जैसा होगा, थोड़ा सा फंक्शन चेंज करेंगे बस। ओके, बाकी सारा कॉन्सेप्ट यही लगेगा। तो ये हमारा एच डब्ल्यू में है, ये आप लोग करना। क्वेश्चन नंबर 9 एच डब्ल्यू क्या है, लिख रहे हैं क्वेश्चन को। ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा एच डब्ल्यू वाला क्वेश्चन। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहां पर चेंज किया, थोड़ा सा यहां पर चेंज किया है, क्योंकि ये फंक्शन चेंज होगा तो ये तो थोड़ा चेंज हो ही जाएगा। देखो सेम टू सेम, आठवां जैसा ही सवाल है। इफ ए फंक्शन एफ सच दैट टू से इन्फिनिटी टू जीरो से इन्फिनिटी इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इन्वर्टेबल, देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। चलो ये खुद से करना। ओके चलो, अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं और आज का ये लेक्चर खत्म हो जाएगा और इसी के साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 भी खत्म हो जाएगा। ओके चलो, एक लास्ट क्वेश्चन, इसको खुद से करना है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही होगा। ओके चलो, इसको रफ कर रहे हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 10, चलो क्वेश्चन नंबर 10। ओके चलो, लिख रहे हैं सवाल। ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा आखिरी सवाल इस चैप्टर का, इस लेक्चर का। चलो बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्या बोला है, इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर टू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इज इन्वर्टेबल, देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स। चेक तो नहीं करना है ना, चूंकि वो बोल दिया इन्वर्टेबल है, तो हमें डायरेक्ट क्या निकाल लेना है, तो डायरेक्ट एफ इनवर्स एक्स निकालना है। तो जो गिवन है पहले लिखो, तो एफ ऑफ एक्स बराबर टू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। ओके, अप्लाइंग, क्या अप्लाई करेंगे इनवर्स निकालने के लिए, आपको मालूम है क्या अप्लाई होता है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स यूज करेंगे। अब देखो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स कैसे मिलेगा, यहां से मिलेगा, एक्स की जगह क्या रखेंगे, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स रखेंगे। चलो तो टू इन टू, यहां एक्स है तो एफ इनवर्स एक्स रखेंगे। ओके, प्लस थ्री डिवाइडेड बाय, यहां भी एक्स है तो एफ इनवर्स एक्स रखेंगे। ओके, प्लस वन और बराबर एक्स, इसको सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। चलो तो ये क्या होगा, टू इन टू एफ इनवर्स एक्स प्लस थ्री बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो एक्स इंटू एफ इनवर्स एक्स
एक्स इंटू एफ इनवर्स एक्स और प्लस एक्स इंटू वन, तो एक्स हो गया। ओके, इसको इधर लेके आओ और इसको इधर लेके जाओ। चलो, तो टू इंटू एफ इनवर्स एक्स और इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस एक्स इंटू एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स, और तीन को इधर लेके जाओगे तो माइनस तीन। देखो इसमें इसमें कॉमन है, क्या कॉमन है, एफ इनवर्स एक्स इसमें भी है और एफ इनवर्स एक्स इसमें भी है, तो कॉमन ले लो, फटाफट कॉमन ले लो। तो कॉमन लेने पे क्या बचेगा, एफ इनवर्स दोनों में क्या कॉमन आएगा, एफ इनवर्स एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स कॉमन लेने पर इसमें क्या बचा, टू, और इधर क्या बचा, माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस थ्री। चलो ये इंटू में है, इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, तो एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू माइनस एक्स। एफ इनवर्स एक्स ही तो निकालने के लिए बोला था। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा एफ इनवर्स एक्स निकल गया, ये एफ ऑफ एक्स था और इसका एफ इनवर्स एक्स क्या आ गया, एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू माइनस एक्स। और ये हमारा आज द एंड हो गया, ये चैप्टर क्या हो गया, द एंड हो गया, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 खत्म। ओके चलो, तो आज का लेक्चर बस इतना ही, और इसी के साथ हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीटली खत्म हो गया। इसके अंदर दो टॉपिक पढ़ना था, कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्टेबल एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। हमने दोनों टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया, दो तीन पार्ट बन चुके इसके ऊपर। ओके, तो आज हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीटली खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 बाइनरी ऑपरेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।